हेलो, वेलकम टू नाइट स्पोर्ट्स। आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं, राइजिंग स्टार अंडर 19 वर्ल्ड कप के विनर राज बाबा के फादर सुखविंदर सर। हेलो सर, वेलकम टू नाइट स्पोर्ट्स। थैंक यू थैंक यू। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू सर? आई एम गुड आई एम गुड। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी कुछ दिन पहले ऑक्शन में राज को पंजाब किंग्स से 2 करोड़ में खरीदा, तो जब ऑक्शन चल रहा था तब आपको ये न्यूज़ किसने दी? आप उस टाइम क्या कर रहे थे या आपने लाइव ऑक्शन में ये सब देखा? नहीं, जिस वक्त ऑक्शन चल रही थी उस वक्त तो मैं स्टेडियम में था, तो राज अंगद ने मुझे फोन पे बताया। बाय द टाइम मैं स्टेडियम से घर पहुंचा तो उसका वो हो गया था। मैं एक्चुअली स्टेडियम में बैठा था, कोई काम था, तो वहां पर शायद स्टार स्पोर्ट्स वालों ने बोला होगा भी अपने पापा को फोन कर, तो वो मेरे साथ फोन पे था, तो उसने बताया अभी इतना किंग्स इलेवन के साथ हो गया मेरा थ्रू और ये ऐसे ऐसे। एंड सर, आपने लेजेंडरी युवराज सिंह को क्रिकेट ट्रेनिंग दी है एंड राज के ग्रैंड जो ग्रैंडफादर थे 1940 ओलंपिक्स टीम के मेडल विनिंग टीम में हिस्सा थे, और अब राज शायद उस जो स्पोर्टिंग फैमिली की परंपरा होती है उसको आगे आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, वो तो है ही है। मेरे फादर साहब ओलंपियन थे, गोल्ड मेडलिस्ट 48 में उन्होंने इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर ही हरा कर और गोल्ड जीता था। मैं भी स्पोर्ट्स से रहा हूँ, मैं भी अंडर 19 इंडिया वगैरह खेला हूँ और कोचिंग में हूँ, प्रोफेशन में हूँ, प्रोफेशनल कोच हूँ। तो मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करता हूँ और चंडीगढ़ पोस्टेड हूँ, और राज अंगद भी क्रिकेट खेल रहा है। ओके सर, वर्ल्ड कप की बात करें, राज ने उसमें 9 विकेट्स लिए हैं, 252 रन भी बनाए हैं इंक्लूडिंग 5 विकेट्स ऑल इन द फाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड। तो पूरा परफॉर्मेंस जी अगर बात करें राज की, पूरा अंडर 19 परफॉर्मेंस किस तरह देखते हैं आप? अंडर 19 परफॉर्मेंस उसका अच्छा रहा। उसने उससे पहले एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने 4 विकेटें ली थी, और फिर उसके रन भी थे वहां पर, और उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बड़ी क्रूशल 4 विकेट्स थी उसकी, और 162 नॉट आउट किया। फिर फाइनल में उसकी 5 विकेट्स थी और 35 रन बड़े क्रूशल स्टेज के ऊपर उसने किए। ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक थी, अच्छी थी। सर, हम कोई भी फाइनल खेलते हैं चाहे कोई भी स्पोर्ट्स का फाइनल होता है, तो उसपे उस फाइनल से पहले एक नर्वस होता है अंदर, मतलब कि यार फाइनल खेलना है। एक रात पहले बहुत प्लेयर्स या कोई भी स्टाफ या कोचेस नर्वस फील करते हैं, तो क्या उससे पहले एक फाइनल से एक रात पहले रात से आपकी बात हुई थी इस सब चीजों को लेकर, थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं? हाँ नहीं, बात तो मेरी उससे रोज होती है, मैच से पहले भी हुई थी बात, तो ऐसा कुछ नहीं था, मजाक कर रहा था। ही वॉज हैविंग फन, एंजॉय कर रहा था, और मैंने भी उसको बोला जस्ट हैव फन, गो एंड परफॉर्म योर सेल्फ। अपना 100% बैटिंग आती है तो बैटिंग में दो, बॉलिंग आती है तो बॉलिंग में 100%, और फील्डिंग है तो फील्डिंग में 100%। प्रेशर नहीं लेना बिल्कुल भी, और वैसे भी बड़ा काम और कंपोज है, कोई ऐसा प्रेशर ज्यादा लेता नहीं है। आपने देखा वो नॉर्मल रहता है, विकेट लेता है तब भी वो ज्यादा उछल कूद नहीं करता, विकेट नहीं मिलती तब भी वो ज्यादा उछल कूद नहीं करता, तो बड़ा काम एंड कंपोज्ड है। उसको पता है ये लर्निंग प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, तो चीजें सीख रहा है। एंड सर, थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए राज की, क्या स्टार्टिंग से ही राज क्रिकेटर बनना चाहते थे? नहीं, इनिशियली जब छोटा था 6-7 साल का, तो टीवी लगा के पंजाबी गानों को देखता था ज्यादा, और वो डांस स्टेप्स इमिटेट करने की कोशिश करता था। फिर व्हेन ही वाज 10-11 साल का था, तो समर वेकेशन थी, मेरे पास एक असाइनमेंट थी हिमाचल की, तो इसकी समर वेकेशन थी, मैं इसको साथ ले गया। मैंने बोला चलो हिमाचल में घूम आएगा, धर्मशाला देख लेगा स्टेडियम। वहां पर टूर्नामेंट हम जीते, हिस्ट्री में पहली बार जो नाहन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वो जीती, और बड़ी क्लोज मार्जिन से वो मैचेस जीते, जैसे 3-डे मैच, 2-2 रन से जीतना, 5 रन से जीतना, तो जितने मैच हुए बड़ी उसमें पहले शुरू से ही एक्साइटमेंट और बड़ी टेंशन का माहौल रहा। तो मैं टीम मीटिंग्स लेता था, बच्चों को समझाता था, तो ये बड़ा कीनली उस वक्त बैठ के सुनता था, टीम मीटिंग्स में बैठता था, देखता था, तो शायद वो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसकी, उसको वो सब अच्छा लगा, वो प्रेशर सिचुएशंस, वो मैच जीतना और वो बच्चों का ट्रॉफी जीतने के बाद भंगड़े डालना, शायद उसको वो अच्छा लगा। उसके बाद वो वापस जब मेरे साथ गुड़गांव घर पे आया तो वो चेंज था, वो रेगुलर प्रैक्टिस पे आना शुरू हो गया मेरे साथ, और अपने एज के बच्चों के साथ खेलना शुरू हो गया, बैटिंग सीरियसली करने लग गया, तो बॉलिंग डालने लग गया, तो उसके में चेंजेस आए वहां से, उस टूर से। तो सर, पहले आपको कब लगा था कि यार राज के अंदर कुछ समथिंग होता है ना, एक्स्ट्रा स्पेशल है इसके अंदर, कि आगे जाके ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है? वो कब, कौन सी एज में लगा आपके राज के?
वो 10-11 साल में जब वो अपने एज ग्रुप के साथ खेलता था, बच्चों के साथ टेनिस बॉल से मैचेस खेलने, तो यूज टू स्कोर 100 नॉट आउट, 200 नॉट आउट, 150, ऐसे करके करता था। बॉल तेज डालता था बचपन में ही, अपनी एज के हिसाब से वो बॉल मीडियम पेस डालता था और स्मूथ एक्शन था, अच्छा डालता था। तो मुझको उसमें पोटेंशियल नजर तब आना शुरू हो गया था, तो उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसने भी बड़ी सिंसेरिटी के साथ और बड़ा क्विक लर्नर है, उसने चीजों को समझा और फॉलो किया। सर, बीइंग फ्रॉम अ स्पोर्ट्स फैमिली, आप स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से हैं, राज के ग्रैंडफादर स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से, तो एक प्रेशर फील होता है कि जब राज, कभी देखा आपने राज के मैदान में उतरते कि यार कितना पीछे मेरा स्पोर्टिंग बड़ा बैकग्राउंड है, तो प्रेशर फील होता हुआ है आपके या राज के कभी इन चीजों पर? नहीं, ऐसा कभी प्रेशर तो नहीं हुआ। हाँ, मैंने मेरे फादर साहब का जो गोल्ड मेडल है ओलंपिक्स वाला, वो मेरे जो घर का दरवाजा है उसके साइड में एंट्री पे लगा रखा है। जो भी जब भी राज अंदर आता है या जाता है, कोई भी घर में आता जाता है तो उसको देखता है, तो उसको एक बैक ऑफ द माइंड रहता है, अभी हमारे दादाजी ने ऐसा किया था, मेरे को भी ये रहता था, हमारे फादर साहब ने इतना अचीव किया है, तो चलो हम भी कोशिश करें, देश के लिए खेलें और देश का झंडा जो है ऊंचा करें। और और आखिरी दो सवाल सर, एंड सर, हाउ ऑफन डू यू गो एंड वॉच राज प्ले मैचेस, एंड व्हाट एडवाइस कैन यू गिव टू द पेरेंट्स हु वांट द चिल्ड्रन टू प्ले क्रिकेट? नहीं, मैं राजंगत के, क्योंकि मेरे मेरा प्रोफेशन है, मेरी जॉब है, तो जब वो मैच खेलता था स्टेडियम में प्रैक्टिस मैचेस जाता था, या जिसमें भी जिस भी मैच के अंदर मुझे मैं जा सकता हूँ, पहुंच सकता हूँ, तो मैं चला जाता था। क्योंकि मैच सिचुएशन के अंदर जब कोई परफॉर्म करता है तो उसकी गलतियां जो होती हैं वो इजीली डिटेक्ट हो जाती हैं और उनको ठीक करना आसान होता है। नेट प्रैक्टिस के अंदर आप इतना प्रेशर के साथ नहीं खेलते, तो जो मैच सिचुएशन में गलतियां होती हैं वो उनको पकड़ के और जल्दी ठीक करना ज्यादा आसान हो जाता है। एंड एक आखिरी सवाल सर, अब रणजी ट्रॉफी देखना शुरू स्टार्ट हो चुका है, अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है राज से रणजी ट्रॉफी में, आईपीएल में? देखिए, अभी तो रणजी ट्रॉफी शुरू है तो उसी के बारे में मैं बात करूंगा। आईपीएल को तो अभी टाइम है, वो डिफरेंट एक सेटअप का गेम है, तो मेरी हमेशा यही रहेगी भी अपना वही मेरा तो है, अभी अपना बैटिंग आएगी तो 100%, बॉलिंग आएगी तो 100%, फील्डिंग में 100%, अपना बेस्ट करना है, बाकी सब जो है वो अपने आप लाइन में फॉल कर जाता है अगर आप अपना बेस्ट ट्राई करते हैं तो। एंड सर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू वेरी मच सर। हम आशा करते हैं रात जैसे खेल मैच आगे खेलते रहें और देश का नाम और फैमिली का नाम रोशन करते रहें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच।